हाय फिर मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो सैमसंग J7 Pro गाइस वही बोर्ड है जिसमें हमने चार्जिंग IC लगाया था, लेकिन ये अभी कोई भी एम्पेयर कंजप्शन नहीं कर रहा है। आप देखिए इसका चार्जिंग कनेक्टर भी जो है वो न्यू लगा हुआ है। कुछ कंपोनेंट जो है वो निकले हुए थे फ़ोन में। पहले कैसा था, जब मैंने IC लगाई तो ये कंजप्शन कर रहा था 10-15 का, और उसके बाद मुझे लगा कि बैटरी लो है उठाएगा, बट फाइनली ये हुआ नहीं। तो मैं इसे फिर से अटैम कर रहा हूँ और चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब IC लगाई थी तो IC इसमें बहुत गर्म हुई थी, इसीलिए जो है ना एक बार फिर से इस फ़ोन पे हम एक बार फिर से काम करेंगे और चेक करेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये फ़ोन जो है वो चार्ज नहीं हो रहा है। तो आप वीडियो में बने रहो, और गाइस अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस जो है वो लाते रहता हूँ, जिससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी फ़ोन पे बैटरी लगी हुई है, लेकिन इसका कोई भी एम्पेयर कंजप्शन नहीं है। पहले 10-15-20 एम्पेयर ऐसे शो करता था और 40 तक जाता था, 40 mA तक, उसके बाद फिर 0 होता था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना ये कुछ भी नहीं कर रहा है। तो हम ट्रेस करेंगे, उसके लिए हम चलते हैं सेमेटिक में। तो गाइज़ यहाँ पे इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन है, चार्जिंग पॉइंट से जो OVP पाइप पास होके वोल्टेज जो है वो IC तक जाती है। तो यहाँ पे OVP IC लगी हुई है, आपको दिख रही होगी ये रेड वाली वी बस की लाइन है, वी चार्ज लाइन जिसे कहते हैं, ठीक है, इस पर लिखा हुआ है वी बस। उसके बाद ये ब्लू और ग्रीन जो है वो डाटा पॉजिटिव नेगेटिव की लाइन है, और पिंक वाली जो है वो ID की लाइन है, ठीक है। तो अब हम इसे फॉलो अप लेंगे और चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज IC तक इनपुट हो रहा है या नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि फ़ोन जो है वो चार्ज नहीं हो रहा है। तो हम चलते हैं और बोर्ड पे चेक करेंगे कि कहीं मतलब वोल्टेज का आउटपुट जो है इनपुट आउटपुट ठीक है या नहीं। तो देखो गाइस अभी जो है ना हम फ़ोन में रिकॉर्डिंग में चेक करते हैं, फ़ोन में आके फ़ोन पे जो है ना हमारा यहाँ पे वैल्यूज़ बताएगा फ़ोन के अंदर क्या प्रॉब्लम है। देखो मैं अभी मल्टीमीटर चेक करता हूँ, मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पे कंटिन्यू वोल्टेज की रेंज में रखा है। अब जो सफिशिएंट था हमारा वो सब चेक करेंगे, ट्रेस करेंगे जो मैंने आपको बताया। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट ये है कि हमारा 5 वोल्ट यहाँ पर बनना चाहिए, यहाँ पे 5 वोल्ट बनना चाहिए जो कि एकदम ज़रूरी है। तो चार्जर का इनपुट वोल्टेज देखिए 5 वोल्ट है, 5.1 समथिंग। OVP क्रॉस होगा, यहाँ पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए, तो यहाँ भी ठीक है। 5 वोल्ट हमारा इनपुट IC के पास, तो यहाँ तक 5 वोल्ट आ रहा है, ये जैसे कॉइल लगी हुई है, ठीक है, इस कॉइल को पास करके यहाँ पर आपका जो है 5 वोल्ट आएगा। उसके बाद आउटपुट मिलना चाहिए हमारा, तो आउटपुट भी आप देखो तो 4.3 है, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आउटपुट हमारा सही है, लेकिन बैटरी की सेंसिंग का प्रॉब्लम है फ़ोन के अंदर। यहाँ पे आप देखो ID ये हमारा पाँच जो पूरा 4.3 वोल्ट आ रहा है, लेकिन ID पे आप देखो 1.2 वोल्ट आ रहा है और 1.7 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ़ोन पे बैटरी लगा देता हूँ तो इसका एम्पेयर जो है ना कंजप्शन कुछ भी नहीं हो रहा है, जो कि होना चाहिए। तो गाइस हमने वोल्टेज चेक कर लिया, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनपुट आउटपुट जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ठीक है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। तो हम देखो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो निकले हुए हैं इस फ़ोन में, बैक साइड में भी, पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ कंपोनेंट इसमें लगाए थे जब IC लगाई थी, तो IC जो है वो बहुत हीट हो रही थी, तो हमने उन कंपोनेंट को लगाया था और IC की हीटिंग जो है वो बंद हो गई थी। आपने देखा होगा वो वीडियो, अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लेना, तभी आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आएगी। इसमें हमने चार्जिंग ये जो DC to DC कन्वर्टर IC है ये न्यू IC लगाई थी, ठीक है। अभी इसके आसपास में भी कुछ कंपोनेंट निकले हुए थे जो मैंने लगाए थे, और अभी मैं फिर से निकाल के चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मे बी पॉसिबिलिटी कि कोई कंपोनेंट जो है वो सीरीज़ में हो। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना गाइस, यहाँ पे
ये सीरीज़ में लगा हुआ कंपोनेंट नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लैंक जगह है और यहाँ पे जो कंपोनेंट था वो मेरे हिसाब से सीरीज़ में था। इसका कनेक्शन यहाँ से है और हमने जो है ना अब ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली दोनों साइड में जो है ना वो रीडिंग आ रही थी। अभी आपको मल्टीमीटर का फ्रेम नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे दोनों साइड में जो है ना वैल्यूज़ आ रही थी और वोल्टेज भी दोनों साइड में आ रहा था, तो इसीलिए जो है ना इसका कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक है। अभी हम सेमेटिक में भी चेक करेंगे, क्योंकि सेमेटिक में चेक करेंगे तभी पता चलेगा कि वहाँ पे एग्जैक्टली जो है वो क्या लगा हुआ था और उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि वैल्यू के हिसाब से ही जो है ना हम उसे ट्रेस करेंगे। क्योंकि बेसिकली इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है गाइस कि इसकी बैटरी को मैंने चार्ज भी किया था लेकिन वो सेंस नहीं हो रही, मतलब इनडायरेक्टली बैटरी जो है ना वो सेंस नहीं कर पा रहा है फ़ोन कि कितना चार्ज है। कि जब भी हम चार्जिंग में लगा रहे हैं तो लोगो आता है फ़ोन पे चार्जिंग का, लेकिन वो 10, 20, 30, 40 तक जाता है और फिर ज़ीरो हो जाता है। तो जब मैंने यहाँ पे ट्रेस किया ना गाइस सेमेटिक में, तो मैंने पाया कि वहाँ पे जो है ना एक कंटिन्यूटी कनेक्शन दिया गया था फ़ोन में, और बाकी वो जो है वो कोर रेजिस्टेंस जो लगा होता है जो कि सेंसिंग के लिए होता है, तो जो बैटरी की सेंसिंग इंफॉर्मेशन डीसी टू डीसी तक लेके जाता है, बेसिकली वो लाइन जो थी वो ब्रेक थी, मतलब इनडायरेक्टली बैटरी को सेंस करने की कंडीशन को जो मतलब आईसी को बताती है और फिर आईडी से डिसाइड होता है, क्योंकि आईडी इसका चार्जिंग पिन के पिन में दिया होता है, ठीक है। तो आउटपुट जो है वो कंट्रोलिंग के लिए, चार्जर का जो इनपुट वोल्टेज होता है उसको कंट्रोलिंग के लिए वहाँ पे काम करता है, तो वो आईसी बेसिकली स्विच नहीं हो रही थी क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था कि बैटरी की कंडीशन क्या है और वो इन्फॉर्मेशन चार्जर तक नहीं जाती थी, जिसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम आ रही थी इस फ़ोन में और ये फ़ोन जो है वो लोगो आता था चला जाता था चालू नहीं होता था। बेसिकली आप यहाँ पे देखो एक कोड रजिस्टर लगा हुआ है और अगर ये यहाँ पे देखोगे तो एक कंटिन्यूटी शाइन लगी हुई है, वहाँ पे तो कंपोनेंट नहीं लगा था जहाँ पे शोल्डिंग, लेकिन किसी ने ये कंटिन्यूटी को जो है वो हटा दिया है। अगर आपको मैं बोर्ड पे दिखाऊं तो वहाँ पे कंटिन्यूटी को किसी ने ना क्लीन कर दिया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी हम देखते हैं कि बोर्ड में हमारे जो है वो कंटिन्यूटी क्यों नहीं है। यहाँ पे ये बैट ऑन मतलब बैटरी के सेंसिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसकी कंटिन्यूटी कोड रजिस्टर की लाइन में होती है और एक जो होता है वोल्टेज की लाइन में आती है सेमेटिक के थ्रू। मैं आपको कभी इन फ्यूचर समझाऊंगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे अभी जो है ना देखो ब्लैंक जगह, नीचे कंपोनेंट खाली है लेकिन यहाँ पे जो है ना ब्लैंक हो गया, मतलब जम्पर को किसी ने तोड़ दिया है, तो उसी लिए ये प्रॉब्लम आ रही है। जब हमने इस पर जम्पर किया ये वाले पॉइंट पे, तो ऑटोमेटिक देखो आप यहाँ फ़ोन में देखो यहाँ पे जो पॉइंट है जहाँ पे मेरा माउस का पॉइंटर है यहाँ पे जम्पर है बेसिकली, ठीक है, शोल्डिंग के थ्रू, लेकिन बोर्ड में किसी ने जो है वो कट कर दिया है। तो इससे जब शोल्ड किया तो प्रॉब्लम जो है वो हमारी सॉल्व हो गई। और अब देखिए सबसे नीचे वाले लास्ट में आप देखिए तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, तो ऐसे जब ब्लैंक मतलब बिना बैटरी के फ़ोन लगाते हैं तो ऐसा रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। बैटरी लगाने के बाद ये जो है 70 जो है वो मिली एम्पेयर का कंजप्शन कर रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम जो है वो हमारी सॉल्व हो गई है क्योंकि ये सफिशेंट है। तो इस तरीके से गाइस सेमेटिक के बिहाफ पे आप ट्रेसिंग करके फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। अभी ये अच्छी तरीके से चार्ज हो रहा है और देखिए, तो गाइस देखिए फाइनली जो है फ़ोन जो है वो चार्ज हो रहा है और यहाँ पे आप देखो 59%। पहले ये फ़ोन हमेशा 0% ही दिखा रहा था लेकिन अभी 59% दिखा रहा है। एम्पेयर कंजप्शन भी जो है वो 70 है, यानी ये बैटरी को सेंस भी कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो गाइस इसकी आईसी चेंजिंग की वीडियोस जो है वो भी मैंने बनाई थी और इसके बैक में जो है वो काफ़ी अच्छा गर्म हो रहा था, अभी भी हो रहा है।
तो ये गर्म जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो देखने को मिलेगी कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ जो है वो लाते रहता हूँ जिससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर समझ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।